नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। विधायक माननीय उज्जवल चटर्जी महाशय उनके उत्तर पढ़िए संबोधना दीबें। अनुरोध करब अपना एक एक आसन स्टेजर सामने। আমি প্রসেনজিৎকে বলবো মঞ্চে আসার জন্য। সমরজিৎ সোমকে আমি বলবো। আমি অনুরোধ করব উজ্জ্বল মণ্ডলকে। আমাদের মধ্যে আছেন বিমান দত্তকে আমি অনুরোধ করব মঞ্চের সামনে আসার জন্য। আরমান খানকে আমি অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। অশোক পল, যাদের যাদের নাম আমি বলছি তারা সব মঞ্চে আসুন। সন্দীপ গুপ্তাকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের যারা ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট আছেন, আমি সুব্রত রায় মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। মানুষের স্বার্থে আমরা করবো, মানুষকে সাথে নিয়ে চলবো, মানুষের সাথে থেকে থাকবো। কর্মীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে? কর্মীদের পরিষ্কার ভাবে তো আমরা বলেই দিলাম যে কর্মীদেরকে কিন্তু অনেক নম্র হতে হবে, ভদ্র হতে হবে। अभिषेक बैनर्जी जी भी हम लोग को दायित्व दिया है।
हम लोग भी जा रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, गाँव गाँव में जा रहे हैं, आदमी लोग से मिल रहे हैं, उन लोग से पूछ रहा है क्या उन लोग का दिक्कत है, कोई असुविधा है कि नहीं, क्योंकि दीदी तो बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सरकारी लोगों को सब कोई फैसिलिटी लेता है, लेकिन कुछ कुछ उनके पास सब कुछ मिलता है, वही हम लोग को मिलने के लिए। देखिए पश्चिम वर्धमान में तो अपोनेंट है ही नहीं ऐसे देखिए, तो अभी CPM तो सो गया है और अभी थोड़ा सा जो है BJP का साथ हम लोग को लड़ाई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं तृणमूल युग सोचते हैं हम लोग का कोई अपोनेंट नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, दीदी जो काम कर रहा है यूनाइट के लिए, हम लोग भी वही काम में शामिल है, हम लोग तृणमूल युग का जितना सोईनिक है हम लोग तो सब सोईनिक है, तो लीडरशिप नहीं है, तो हम लोग दीदी का नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है वो आप लोग सब तक ग्रो नहीं पाए, उसके लिए क्या मैसेज? न्यू जनरेशन को दीदी तो न्यू जनरेशन के लिए बहुत काम कर रहा है, इतना कॉलेज किया है इधर आसम पश्चिम वर्धमान में, हिंदी कॉलेज हुआ है, उर्दू कॉलेज हुआ है, एक तो यूनिवर्सिटी दे दिया, फिर भी न्यू जनरेशन को हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि जितना 18 से 22 जो सोमनो का जो लड़का जो है हम लोग को एक्चुअली इतना आप लोग देखता है जो सबको अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा चला गया, सबको फेसबुक है, ट्विटर और सारा दिन हम लोग मोबाइल में बैठे हम लोग का बस पार्टी के लिए हम लोग को लग रहे हैं, उनको पार्टी में लाने के लिए थोड़ा अलग तरीके से हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग बैठे सबको ये सर बातचीत करेगा कि न्यू जनरेशन जो लोग बाहर में है उन लोग को कैसे हम लोग पार्टी में साथ। आज आप लोग यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? आज हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा को लेकर आज उत्सव किया हम लोग यहाँ पर सब कर्मी लोग को लेकर, आने वाला दिन में ममता बनर्जी हम लोग का जो नेत्री है, उनका जो आदर्श है, हमारे जो युवराज है, हम लोग का जो यूथ का जो प्रेसिडेंट है अभिषेक बनर्जी, उनका जो नीति है, आदर्श है, उसको सामने रख के आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में हमारा पार्टी किस तरह से यूथ का भूमिका रहेगा, हमारा पार्टी कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, हम लोग कैसे शक्तिशाली करेंगे, इसके लिए आज हम लोग का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप तो प्रेसिडेंट को बोलो और अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने आज प्रोग्राम कौन लोग शामिल हुए? आज हमारे यहाँ के विधायक, यहाँ के जितने काउंसिलर हैं, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट, पार्टी का जो ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट की सभा नेत्री यूथ का बबीता दास, वो आज यहाँ पर उपस्थित थे, यहाँ के जितने वार्ड के प्रेसिडेंट है पार्टी का, प्लस यूथ का वार्ड प्रेसिडेंट, यूथ का हर कमेटी का मेंबर, साधारण जितना कर्मी है सब कर्मी। आपको जो मैंने थे उज्जवल चिटलाजी, उनका क्या मैसेज था? उनका मैसेज था आने वाले दिन में यूथ को सबसे बड़ा भूमिका पालन करना होगा इस संगठन को मजबूत करने के लिए, और हम लोग जो आने वाले दिन में जो हमारे जो विरोधी पक्ष है, इस विरोधी पक्ष को हम लोग दृढ़ के मुकाबला करेंगे, और आने वाले दिन में इस पश्चिम वर्धमान में हमारे जितने भी सीट है विधानसभा की, इस सीट को हम लोग लेकर, हम लोग देखें TMC बहुत सारे खेमा में बटा हुआ है, क्या कुल्टी में भी ये बात देखिए? ना, कुल्टी में कोई खेमा नहीं है, हम लोग का खेमा सिर्फ एक ही है, वो है ममता बनर्जी, हम लोग का खेमा सिर्फ एक ही है, वो है अभिषेक बनर्जी, हम लोग का नीति एक ही है, जो हम लोग तृणमूल कांग्रेस ही हम लोग का मूल लक्ष्य। आप लोगों का मुकाबला किससे होगा, सीपीएम से या बीजेपी से? हम लोग का मुकाबला विरोधी पक्ष, ये लोग सब मिल के जो विरोधी पक्ष बनाएगा उससे हम लोग का मुकाबला। आज और आप लोग क्या ऐसा काम किए जो पार्टी प्रमुखता लोग आप लोग को वोट दें? हम लोग का काम आज आप लोग बोलिए ना, राज्य में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट नहीं हो रहा जो हमारे सरकार ने, हमारे नेत्री ने नहीं किया? आप हमको बोलिए कौन सा काम है कि जो काम हम लोग ने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोग पब्लिक के पास जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग, हमारे नेत्री जो काम कर रही है वो काम हम लोग सही तरह से आदमी के पास पहुँचा नहीं सकते, आम जनता के पास नहीं जा सकते। हम लोग आने वाले दिन में यही उद्देश्य रहेगा कि जितना काम हो हम लोग आगामी दिन में आदमी के पास ले जाए, जितना आम जनता के पास हम लोग पहुँचे। आने वाले जो 3 इलेक्शन उपचुनाव जिसको बोलते हैं उसको कैसे पहुँचा? हम लोग जीतेंगे, हमारी मत कितना सीटें का? तीनों में 3 सीटें, दो नंबर में वो लोग लड़ाई करेगा। आप लोग आखिर में कि अभी जो हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से दिया, इसके लिए पुलटी पार्टी का मैसेज है कि आने वाले दिन में आप लोग शांति से रहिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कर्मी लोग हरदम आप लोगों के संग है, आने वाले दिन भी हम लोग रहे थे, अभी भी है, आने वाले दिन में भी हम लोग। सुदीप चौधरी, कौन सा यूथ का ब्लॉक के साथ।